जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ आपके एडवांस मेकअप क्लास का डेटा नाप के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट देने के लिए। हर बार आपके कमेंट में बहुत मोटिवेट करते हैं। एंड दिल से सॉरी क्योंकि इस बार हमारी वीडियो काफी डिले हो गई, और डिले होने का रीजन जो भी हो मैं आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहती हूँ, जस्ट सॉरी, माफ कर दीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्रिएटिव आई। ये जो मेकअप है ये क्रिएटिव आई मेकअप है जो आप अपने किसी भी क्लाइंट को इजीली दे सकते हो, उन्हें कन्विंस कर सकते हो। बट इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके उसके दो चार आपके पास सुंदर सुंदर पिक्स रखिए, एंड देन अपने क्लाइंट को शो कीजिए। जब क्लाइंट उसे देखेगा, उसे पसंद आएगा, तो डेफिनेटली वो क्लाइंट उस मेकअप को एक्सेप्ट करेंगे। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये आई मेकअप कौन सी आईज पे आप इजीली दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये क्रिएटिव आई मेकअप है जिसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आई लिड प्रॉपर अच्छे से विजिबल हो। विजिबल आई लिड होने की वजह से जब भी आप आई लिड पे कुछ भी करोगे, बेसिकली बोले तो हमारा जो आलमंड आईज है वो इस आई मेकअप के लिए परफेक्ट प्रेफरेबल आईज है। तो अब आलमंड आईज पे ये आप आई मेकअप इजीली दे सकते हो। थोड़ा सा जिनका प्रोमिनेंट आईज होता है उनका भी, जिनकी उभरी हुई आंखें हम जिनको बोलते हैं, उनकी आईज पे भी आप ये क्रिएटिव आई मेकअप दे सकते हो। कौन सी आईज को आपने अवॉइड करना है ये आई मेकअप, मेनली आप इसे हुडेड आईज में अवॉइड करो। स्मोकी टाइप के क्रिएटिव आईज आप हुडेड आईज पे प्रेफर कर सकते हो। और जो आज का मेकअप है वो बेसिकली हम आलमंड आईज या प्रोमिनेंट आईज, अदर आईज पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई शेप की वीडियो चाहिए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बिकॉज अगर आप आई शेप अंडरस्टैंड करेंगे तो ही उसके अकॉर्डिंग आप इजिली आई मेकअप क्लाइंट को दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे हम ऑलरेडी आपके लिए काफी डीप नॉलेज वाली वीडियोस बना रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो 100% हम यहाँ पर कवर करें और कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी रह जाता तो उसके लिए मैंने और सर ने आप लोगों के लिए लाइव वीडियो सेशन प्लान किया हुआ, जो जल्दी ही हम यूट्यूब पर लाइव आके आपके सारे डाउट एंड क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज राइट डाउन करके रखिएगा अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस को। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे सामने प्रैक्टिस, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं प्रैक्टिस आपकी सेकंड टीचर होती है, और आप हमारे सामने फेस टू फेस आके प्रैक्टिस क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। बिकॉज इस टाइम पे हमने कोविड पैंडेमिक की वजह से अपने इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए बहुत ही अच्छा DSDM स्किल इंडिया प्लान निकाला है, जिसमें हम 70% से लेकर 30% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं अपने ऑल कोर्सेज पे। है कि बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में आप अकेडमी में आके हमसे कोर्स सीख सकते हो, और कोर्स सीखने के साथ साथ आप मेनली जो अकेडमी में आने का रीजन आप लोगों का है कि आप अपने प्रैक्टिस के थ्रू अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और बहुत जल्दी अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं करना, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उस पर हाई लिख दीजिए। हम कौन से कोर्स पे क्या क्या डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिटेल सारे आपको व्हाट्सअप पे बता देंगे। आपको जो सूट करेगा आप वो कोर्स हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अकेडमी में ज्वाइन करने का इससे अच्छा गोल्डन चांस आप लोगों के लिए है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम सारी नॉलेज आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर अकेडमी में आने का रीजन मेनली आपका प्रैक्टिस रहेगा, बिकॉज जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि प्रैक्टिस आपकी सेकंड टीचर है, तो आपको लाइव हमारे सामने प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। और लाइव में हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो भी प्रैक्टिकल डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं, और हम भी पकड़ पाते हैं कि आप लोग कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हो, तो क्या होता है उससे जल्दी आप अपने काम को इम्प्रूव कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आइए, हम लोग वेट कर रहे हैं आपके लिए, और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मेरे पास मेरे मॉडल के आईज ऑलरेडी आलमंड आईज हैं, तो मैंने आईब्रोज को ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है सो दैट मुझे आईलिड पे और अच्छे से स्पेस मिले काम करने के लिए। आईब्रोज की वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से ब्रीफ की हुई है। यहाँ पर टार्ट कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे हम एज आई प्राइमर भी ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, इसलिए मोस्टली हम आई मेकअप में यूज़ करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे मॉडल ने आईब्रोज नहीं कराई हुई है, मीन्स थ्रेडिंग नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा हेयर को हाइड करने में भी हेल्प करेगा। मीन्स अगर कई लोग आईब्रोज नहीं कराते तो आप इस टाइप के कंसीलर को प्रेफर करेंगे अपने किट के अंदर। एंड इसमें आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर स्पेशली आपको हेयर दिख रहे हैं वहाँ पर आप एक कोट और दे सकते हैं ताकि कवरेज और अच्छे से मिले। एंड आर्च पॉइंट को हमेशा हम और स्पेसियस बनाने के लिए इसको पुश करते हैं ऊपर की तरफ। फैशन आर्टिस्ट बाय शुज ब्यूटी आई शेडो पैलेट में यूज़ कर रही हूँ। इसके बहुत ही अच्छे कलर हैं, जैसे कि आप लोग बोलते हैं रीजनेबल
प्रोडक्ट्स में हमें काम करके दिखाई है। बहुत ही रीजनेबल पैलेट है और बहुत ही अच्छा इसका आई शेडो पिगमेंट है। प्रोमिनेंट पिंक कलर इनर क्रीज लाइन पे मैं अच्छे से डैप कर रही हूँ इंटेंसिटी देने के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर कलर बहुत अच्छे से विजिबल चाहिए। उसके बाद पर्पल शेड पिंक का ही थोड़ा सा डार्कर वर्जन मैंने यहाँ पर लिया है राउंड ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, और इसे भी अच्छे से मैं डैप करूँगी मिडिल क्रीज लाइन में, आप बोल सकते हो जहाँ पर हमारा कॉन्टोर एरिया होता है, और अच्छे से इंटेंसिटी देने के लिए हम इसे डैप करते हुए ही ब्लेंड करेंगे। तो आपने डैप करना है और ब्लेंड करना है। आउटर कॉर्नर को मैं हल्का पीच ऑरेंज पीच कलर के साथ सॉफ्ट कर रही हूँ। पिंक पीच पर्पल एनालॉजस कलर हैं, यानी कि एक दूसरे के नेबर शेड हैं, और इन्हें मैं कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रही हूँ। DSDM आर्टिस्ट्री का राउंड ब्लेंडिंग एम्प्टी ब्रश, मतलब इसमें कुछ भी कलर नहीं है, इसे मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करूँगी, सो दैट हमारा कोई भी जो पाउडर या प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंट ना लगे। देन हुडा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक राउंड पेंसिल ब्रश, डोम ब्रश भी हम इसे बोलते हैं, इससे मैं एप्लीकेट करूँगी जो मैंने क्रीज लाइन बनाया था उसके इनर कॉर्नर पे, यानी कि डीप क्रीज लाइन जिसे हम बोलते हैं उस पे मैंने इसे डैप किया, ताकि यहाँ पर हमें कलर और इंटेंस मिले। और इसे डैप करने के बाद जब हम इस पे पाउडर प्रोडक्ट रखेंगे, यानी कि थोड़ा ब्लैक और सेम में रख रही हूँ, डायरेक्ट हम पाउडर भी रख सकते हैं, पर इंटेंसिटी देने के लिए हम एक लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट, आप कोई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, क्रीम लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपके पास जब आप कोई भी डार्क कलर ये लगाओगे तो वो बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होगा, विजिबल होगा। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहा है। इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने सेम अगेन वही पर्पल शेड लिया और उसको उसके साथ डैप करके ब्लेंड। आई मैजिक के फ्लैश पैलेट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्रिएटिव आई मेकअप है, हमें कलर प्रोमिनेंट चाहिए, बेसिकली हम इसे ब्राज़ीलियन आई मेकअप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर से आई लिड को प्रोमिनेंट विजिबल बनाने के लिए, ब्राज़ीलियन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर इनर कॉर्नर से पहले हम लाइटली कलर एप्लीकेट करेंगे, सो दैट हम एक रफ लाइन ड्रॉ कर ले, जब आपको लगे कि आपने सही ड्रॉ कर दिया देन इसी कलर को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर सकते हो और अच्छे से विजिबल करने के लिए। तो ये क्रीमी बेस है, ये जो फेस क्रीम कलर है हमारे फेस मेकअप के लिए होते हैं, इसे आप एज लाइनर, एज काजल, एज फाउंडेशन, कंसीलर यूज़ कर सकते हो। पूरा आईलिड पे मैंने इसे यूज़ किया है, और इसमें मैं लीफ शेप, मतलब पत्ती का जैसा शेप होता है उस शेप में पूरे आईलिड पे राउंड शेप में दे रही हूँ। अब क्रीमी प्रोडक्ट को लॉक करने के लिए हम पाउडर प्रोडक्ट लगाएंगे। अब डायरेक्ट पाउडर लगाते तो इतना इंटेंस नहीं आता, तो यहाँ पर ऑरेंज येलो कलर मैं पहले ले रही हूँ, देन मैंने ऑरेंज लिया है, येलो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बेसिकली दे रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, आपने ड्रेसेस के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन देखा होगा। कॉर्नर्स को जो हमने डार्क कलर लिया था उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अगेन हम कंसीलर लेंगे टार्ट वाला, और उसे अपने क्रीमी ब्रश एप्लीकेटर में लेना है, और इसके टिप को अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद आपने हाफ आई लिड, मतलब जहाँ पर लाइनर एंड होता है उसे थोड़ा सा इनसाइड में जाके आउटर आईब्रो के एंड तक इसे ड्रॉ करना है एक लाइनर इफेक्ट में, और इसे हम अच्छे से डैप करेंगे। तो ये क्रिएटिव मेकअप है, क्रिएटिव मेकअप में आप कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है ये आप इजीली अपने क्लाइंट को एंगेजमेंट ब्राइडल मेकअप में दे सकते हो। तो यू कैन सी कि इससे इनके जो आईज़ है वो काफ़ी बिग भी लगेंगे, इनकी आई लिड काफ़ी बड़ी बड़ी लगेंगी और स्पेशियस लगेंगी, क्योंकि हमने इतना क्रिएटिविटी कर दी, इतने कलर्स डाल दिए, बट किसी भी कलर में आपने प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं छोड़ना है। जो ये ड्रॉ हो रहा है शेप, सिर्फ ये शेप ही आपकी विजिबल होनी चाहिए, यही आपके मेकअप को 3D इफेक्ट देता है। देन उसे डाउनवर्ड में हम इसे ब्लेंड कर सकते हैं। डिलांसी का ऑरा ग्लो पैलेट में आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये यूवी कलर्स है जो अंधेरे में चमकते हैं। तो जब हम फैंटेसी मेकअप या फंकी मेकअप की बात करते हैं तो ये कलर बहुत ही मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ जो मैंने ये लाइन बनाई थी उसके हाफ में मैं पिंक कलर, क्योंकि वो सेम हमने क्रीज में दिया था उसी का कॉम्बिनेशन में दे रही हूँ, और उसके आउटसाइड में हम येलो या ऑरेंज कलर देंगे। तो यहाँ पर मैं येलो ऑरेंज का मिक्स शेड है ये ऑलरेडी, इसे दे रही हूँ, तो इसे हम आउटर कॉर्नर में देंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं प्रैक्टिस टाइम पे आपको यही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने के लिए बोलूँगी। ये बड़ा सेफेस्ट साइड वाले कलर है, क्योंकि ब्लू ग्रीन कूल कलर में भी आप ट्राई करो तो उनसे अगर आपने सही से नहीं करा तो डार्क सर्कल दिखते हैं। तो इसी का मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई ग्लू यूज़ नहीं करना होता, तो डायरेक्टली आप एप्लीकेट कर सकते हो। आजकल बहुत ही स्मार्ट पैलेट आ गई है जिनके आई शेडो में ही ग्लिटर भी होता है, तो आपको ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही स्टेबल हो जाते हैं, बहुत ईजिली लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी इनर क्रीज लाइन थी उसको इन्हेंस करने के लिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, एंड आउटर को इन्हेंस करने के लिए पिंक कलर का, जिस सेम शेड मैंने लगाया था उसी कलर का मैं यूवी कलर्स में से ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, एंड उसके आउटर में हम ऑरेंज येलो जो हमने शेडो लगाया उसी कलर का ग्लिटर शिमर यूज़ करेंगे।
तो ये ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए क्रिएटिविटी और भी ईजी हो जाती है। तो आई हाईली प्रेफर ये सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करूँगी, ये प्रोडक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी। एक्वा कलर बाय क्रायलॉन, इसे यूज़ कर रही हूँ मैं मेकअप ब्लेंडर के साथ, तो ये काफ़ी, इसे पानी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, पर इसका अगर वाटरप्रूफ इफेक्ट चाहिए आपको तो ब्लेंडर के साथ बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, वाटरप्रूफ रहता है, और इससे मैं इसका एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हो क्रिएटिव मेकअप है, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं वो वाला क्रिएटिविटी यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ जो क्रिएटिविटी आप इजीली अपने क्लाइंट को दे सकते हो। बेसिकली हमने यहाँ पर कमर्शियल वर्क सीखना है जो क्लाइंट कैरी कर सके। देन लाइनर, अब जब हमने आई शेडो क्रिएटिव किया है, उसमें कुछ इनोवेटिव दिया है, तो लाइनर जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें, बट फिर भी अगर आप आईज़ को इन्हेंस करना चाहते हैं तो हल्का सा मैं इसे विंग, सॉफ्ट विंग दे देती हूँ। एंड सॉफ्ट विंग को भी हम क्या करेंगे, डाउन साइड यानी कि डाउनवर्ड जो काजल वाला एरिया था उसके साथ फेडेड शेडिंग के साथ देंगे, तो इससे इसका जो लुक है थोड़ा सा एडवांस लुक आएगा और काफ़ी क्रिएटिव लगेगा। आईज़ के नीचे की साइड अब शेडिंग देना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ये शेडिंग नहीं देने की वजह से आईज़ में पफिनेस दिख सकती है। तो ब्लैक कलर का पहले मैं शेडो दे रही हूँ, ब्लैक के ऊपर वाइन जो हमने कॉम्बिनेशन ऊपर यूज़ किया वही सेम कॉम्बिनेशन में नीचे दे रही हूँ, एंड लाइट पिंक। तो इससे क्या होता है, आईज़ काफ़ी बड़ी लगती हैं और आईज़ का आपको जो इफेक्ट है, जो क्रीज दिखती है या आप बोल सकते हो लाइन्स दिखती है, वो नहीं दिखेंगे। आईब्रोज के नीचे के कलर को आप एक्स्ट्रा कॉटन बट से रिमूव कर सकते हो, बट इसे प्रेस करके नहीं करना है, इसे हल्का बफ करते हुए आपने रिमूव करना है। नाउ बेस टाइम, बेस में मैं यहाँ पर बॉडियोग्राफी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, मैट मूज प्राइमर है और इनकी स्किन ऑयली एक्ने वाली है, तो बेनिफिट का जैसे हमारा पोर फिलर आता है, कोई भी जेल बेस प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने एल्टिन प्रो फेसेस बाय कनाडा का आपको यूज़ करके दिखाया था। ब्राउन कलर ओरिएंटल शेड है हमारा ये, और ये मैं डायरेक्ट दे रही हूँ, यहाँ पर मैं कोई न्यूट्रलाइज़र यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि कलर व्हील थ्योरी अगर आप ध्यान से देखोगे दोबारा से, तो कलर व्हील थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि तीनों प्राइमरी कलर मिला के आपके ब्राउन कलर बनता है, और उस ब्राउन कलर में रेड ऑरेंज ऑलरेडी काफ़ी क्वांटिटी में होता है, तो वो हमारे स्किन पे एक न्यूट्रलाइज़र और कंसीलिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से क्रिएट करता है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं था। टार्ट का सेम कंसीलर 29N मैं सिर्फ हाइलाइटिंग एरिया पे दे रही हूँ। ये दो कलर से ही आपका बहुत ही अच्छा अमेजिंग बेस बन जाता है। ये आप टेक्निक ब्राइडल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कई सम टाइम आपको काफ़ी कम टाइम में अच्छा सा बेस बनाना होता है, तो ये आइडियल बेस है, और आप इसका रिजल्ट सामने देख सकते हो कि आपके प्रॉब्लम को भी कवर करेगा। और हाइलाइटिंग एरिया पे ही हम लाइट कर, अब यहाँ पर हमें अलग से कंटूर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमने स्मार्ट वर्क किया है, हमने डार्क कलर पूरे फेस पे दे दिया और हाइलाइटिंग एरिया पे हमने फेयर कलर दे दिया। तो जो मैंने फेयर कलर दिया है वो काफ़ी अच्छा फेयर कलर है, मीडियम फेयर है, तो इनकी स्किन पे बहुत अच्छा जा रहा है और नेचुरल, क्योंकि आईज़ हमने बहुत अच्छे से इन्हेंस करे, तो फेस को हम बहुत ज़्यादा वाइटिश करने के बजाय नेचुरल फेयर ही करेंगे। कलर नेक बोन को हम अच्छे से हाईलाइट करेंगे, मीन्स पूरे नेक को भी हमें वाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा हाइलाइटिंग एरिया, तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क से हम अपने प्रोडक्ट को भी सफिशेंटली यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। उसके अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रोलिंग के लिए मैं पाउडर ले रही हूँ, पाउडर लॉकिंग से पहले अगर हम कॉन्ट्रोल कर देते तो पाउडर क्योंकि हमने ऑलरेडी डार्क बेस इनके फेस पे यूज़ किया था, तो क्रीम कॉन्ट्रोल की हमें अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमने पाउडर कॉन्ट्रोल से उस डार्क कॉन्ट्रोलिंग को इन्हेंस करना है। मेकअप स्टूडियो का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, मिस्ट्री डेजर्ट। सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं, जिन वेंडर्स के लिंक मैं आपको दूँगी। हाइलाइटिंग एरिया को, बोन को हम अच्छे से हाईलाइट करेंगे, ये बड़ा स्मूथ हाइलाइटर है। ब्लशर टाइम, अच्छा ऐसे स्किन पे जैसे एक्ने पिंपल वाली स्किन पे, इस पर हम बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं देंगे। आप देख रहे हो सिर्फ मैंने चिक बोन को हाईलाइट किया है, बहुत पूरे फेस को मैंने हाईलाइट नहीं करा, और ज़्यादातर हम एक्ने या एक्ने पोन स्किन हो गया आपका, या ओपन पोर्स वाली स्किन हो गई, या एजिंग स्किन हो गई, पीछे मुझसे किसने पूछा था एजिंग स्किन, ये तीन टाइप की स्किन पे आपने बहुत ज़्यादा शिमरी शाइनी इफेक्ट नहीं देना है। जितना हो सके आप मैट और स्मूथ इफेक्ट क्रिएट कीजिए, और जितना हो सके बहुत ही सफिशिएंट प्रोडक्ट में काम कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होने के बाद भी स्किन कई बार आर्टिफिशियल लगने लग जाती है। लाइनर को इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट दे दिया, पूरी आईज़ में मैंने ग्लिटर ना देके सिर्फ लाइनर को ग्लिटर से इन्हेंस किया है। लैशेज मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत बार आपको लगा के दिखा चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लैशेज लगा दिए, और यहाँ पर मैं इनर कॉर्नर को फॉक्स आई इफेक्ट हम इसे बोलते हैं, डव आईज़ भी कई लोग बोलते हैं, कि टीयर पॉइंट से हमने छोटा सा विंग निकाल दिया जिससे हमारी आईज़ बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाती हैं। तो अब देखते हो लिप्स पर मैंने सिर्फ लिप ग्लॉस यूज़ किया है, और मेनली मैंने यहाँ पर आईज़ को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। तो क्लाइंट के लिए भी सेम वर्क आप उनके एंगेजमेंट वाले दिन, रिसेप्शन वाले दिन दे सकते हो।
हाइलाइटिंग के लिए क्लाइंट बहुत डिमांड करता है, तो ये मेरा सिलियोसिस का पिगमेंट है, शिमरी पिगमेंट है, इसका नाम ही आईशे शिमर है। वाटर लाइन पर मैंने सेम क्रीम जो आई मैजिका का क्रीम पैलेट था उसमें से मैंने सेम कलर लगाया है जो मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लाइन दी थी ब्लूइश कलर में, तो ग्रीन ब्लू कलर में बेसिकली वो है, लाइट ग्रीन ब्लू कलर, तो वो सेम क्रीम कलर था मेरे पास उसमें आई मैजिक पैलेट में, वो दिया एस काजल। बहुत ही सफिशिएंट प्रोडक्ट के साथ मैंने काम किया आप देख सकते हो, और सफिशिएंट प्रोडक्ट के साथ काम करने का बेनिफिट ये होता है कि स्किन बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगती, प्रॉपर हाई डेफिनेशन मेकअप इफेक्ट हमें मिलता है, आप क्लोजली भी देखोगे एंड हाइलाइटिंग भी आप देख सकते हो। एक्ने पिंपल वाली स्किन थी तो मैंने कुछ पॉइंट्स को ही हाईलाइट किया, जैसे नोज टिप हो गया आपका, चिन हो गया, चिक बोन हो गए, पूरे फेस पे हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं देनी है अगर स्किन में प्रॉब्लम है, तो बहुत ही ग्रेसफुल लगता है इस टाइप का क्रिएटिव मेकअप। इसके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते ही आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं सेम मेकअप को आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि अगर सेम आप प्रैक्टिस करते हो इसका मतलब आप कलर एप्लीकेशन अच्छे से समझ गए हो। तो होप दोस्तों हमेशा की तरह आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी हो, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा हो, कुछ भी नया सीखा है तो जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट में बताइए और प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए। और अब हमने अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट ऑफ द वीक भी देना स्टार्ट कर दिया है, सो दैट कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलते रहे, आप लोगों की जो बेस्ट पिक्चर होगी, बेस्ट प्रैक्टिस पिक होगी, उसे हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाएंगे और आपको प्रमोट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर कमेंट, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग डिस्काउंट डील्स, तो प्लीज़ वो डिस्काउंट डील्स के बारे में अपने नोन के साथ शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है दूसरों को बताइए, बिकॉज इतना अच्छा डिस्काउंट डील हम बाद में नहीं निकालेंगे। तो ये स्पेशली डिस्काउंट है सिर्फ कोविड पैंडेमिक की वजह से, जो भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो हमारे साथ आके फेस टू फेस प्रैक्टिकल सीख के प्रैक्टिस जल्दी से करके अपने आप को स्टैंड कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।